बेगूसराय में एक बार फिर दबंगों का कहर देखने को मिला, जहां जमीनी विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर एक महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी। महिला रहम की भीख मांगती रही, लेकिन दबंगों ने एक नहीं सुना और उस महिला को बेरहमी से पीटता रहा। सूचना पाकर जब महिला को बचाने के लिए उसके पति आया, तो दबंगों ने उसके पति को भी बेरहमी से पिटाई कर दी। इस पिटाई में महिला और पति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में परिजनों ने उसे इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पति और पत्नी का इलाज चल रहा है। यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चिलमिल गांव की है। वहीं घायल की पहचान चिलमिल वार्ड संख्या 2 के रहने वाले अरविंद महतो का पुत्र राहुल कुमार एवं पुत्र वधु रूना कुमारी के रूप में बताया जा रहा है। जख्मी ने बताया कि उसके चचेरे ससुर 10 धूर जमीन हड़पने की नियत से घर में अकेली महिला को देखकर मारपीट करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि घटना की सूचना पाकर जब उसके पति राहुल कुमार बचाने आए, तो उसे भी पीट पीट कर अधमरा कर दिया। घायल ने आरोप लगाया है, इसके पूर्व भी आरोपियों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके लिखित सूचना थाने को दी गई, जिस पर कोई कार्रवाई अब तक पुलिस द्वारा नहीं की गई है। और बदमाशों ने मंगलवार को भी घर में घुसकर पीट पीट पर अधमरा कर दिया। फिलहाल मुफस्सिल थाने की पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। BNP न्यूज के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। घटना की जानकारी आप दिए हैं थाना को? हाँ, थाना को जानकारी दी है। क्या कहा गया थाना से? थाना से यही कहा गया कि से आप पहले जाइए, इलाज कराइए, उसके बाद कार्रवाई जारी रहेगी। इस मार्केट में कितने आदमी घायल हैं? इसमें हम दो आदमी हैं। हम घायल सिर्फ थे, हम अकेले। अच्छा। वो सब हैं, वो 15-20 आदमी हैं और हम अकेले हैं। हाँ, हम अकेले थे और मारपीट हुआ ना, तब हम पति का कोई दूसरा आदमी जानकारी दिया, तभी आए तो पूछने गए कि काहे मेरी बीवी को मारे, तो सब मिल के 10 मिल को इनको भी बहुत गहरा से मारे। दो आदमी घायल हैं? हाँ, दोनों। क्या नाम है आपका? रूना कुमारी। दूसरा आदमी घायल है, उनका क्या नाम है? राहुल कुमार है। राहुल कुमार। हाँ। कौन है आपके? मेरे पति हैं राहुल कुमार। उनके पिताजी का नाम क्या है? श्री अर्जुन कुमार। घर कहाँ है? चिन्ह। वार्ड संख्या और थाना? वार्ड संख्या 2। थाना? मुफस्सिल। मुफस्सिल। तो और उसकी सिस्टर ना और दादा और उसका बेटा भी पहले 2 महीना पहले भी मारपीट करके बहुत हमको मारा था और घायल कर दिया था, इसलिए हम 2 महीना पहले भी थाना में हम लिख के दिए हुए थे। उस पर कुछ कार्रवाई की है कि नहीं? उस पर कार्रवाई जारी नहीं की गई थी। और उसके बाद फिर? हाँ, उसके बाद फिर भी हम सोचे कि समाज से हम सुलझा लेंगे अपना, लेकिन नहीं समझा और फिर हमको मारपीट कर दी और मार के घायल कर दी।